अगली जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो है लक्ष्मी का स्थान। किसका स्थान है? कुंडली में कहा गया कि पंचम भाव जो है वो लक्ष्मी का स्थान है। लक्ष्मी का स्थान वास्तव में आज के कॉन्टेक्स्ट में आप लक्ष्मी जो है धन को समझते हैं, पर वास्तव में लक्ष्मी जो है वो धन नहीं है, वो आपकी सेहत है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप धनी हैं, और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो आप धनी नहीं। ये दिशा अग्नि की है, अग्नि का शुरुआती बिंदु है ये दिशा। अग्नि का शुरुआती बिंदु यानी कि आपके शरीर के अंदर 70% पानी होने के बावजूद भी जो गर्माहट है, गर्म है ना शरीर, बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन किया है ना बॉडी ने, वो नहीं हो तो ठंडे हो जाओगे तो घर वाले इंतजार भी नहीं करते, बोलेंगे निकालो टाइम हो गया। तो ये जो गर्माहट है ना, ये अग्नि की है और साउथ ईस्ट की अग्नि की है। साउथ ईस्ट की अग्नि ये देती है और ये लक्ष्मी का स्थान है। जब भी इधर इंबैलेंस आता है, सबसे पहले आपके परिवार में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जितने भी आपको मैं बता रहा हूं प्लस माइनस, ये उसी के साथ घटित होते हैं जब एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अन्यथा नहीं होते। जब भी कभी साउथ ईस्ट में इंबैलेंस आता है, सबसे पहले कैश क्रंच आ जाता है, आपके मेहनत के पैसे कोई रोक के बैठ जाता है, आपके मेहनत के पैसे रोक लेते हैं लोग। काम किया, पेमेंट स्टक हो गई, किसी ने पैसे रोक लिए, यहां से रुकते हैं। अग्नि का बढ़ जाना भी सही नहीं होता, एक्सीडेंट्स देती है। क्या देती है? एक्सीडेंट्स देती है अग्नि का बढ़ जाना, यानी कि सिक्योरिटी का भी वीक होना। तो जो इनकम टैक्स की जब रेट पड़ती है या कोई ऐसी उलझने आती हैं, तब यहां इंबैलेंस होने से वो आ जाती है। तो साउथ ईस्ट की दिशा, पहला सेहत, दूसरा लक्ष्मी, ये ऐसे काम करती है। अब इस दिशा में जब मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, घर में जो लक्ष्मी है। जितना मर्जी अपने घर में साउथ ईस्ट को बैलेंस कर लो, और वाइफ की वो जगह नहीं तो ना ही कैश रहेगा ना ही, समझते चलना इसको।